अमरमऊ में के वार्ड नंबर 13 में रहने वाली सुहाग रानी वाल्मीकि, जो कि इस समस्या से प्रभावित है कि आज 50 साल से जो मर्यादा अभियान के दौरान चलने वाली जो अभी योजना है शासन की निर्मल भारत की, आज तक उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिला। सुहाग रानी का एक बेटा सचिन वाल्मीकि जो विकलांग है, जिसके पास प्रमाण पत्र भी है, वो चाहती है कि उसे शौचालय की जो योजना है उसे इसका लाभ मिले। क्या समस्या है आपकी? ये समस्या है कि हम लोगों के पास में शौचालय नहीं है, हम लोगों को शौचालय की मदद चाहिए सरकार से। अभी आपको क्या समस्या है? समस्या चाहिए, लैट्रिन बाथरूम गिराने परेशान हो, नदी जाने पड़ा, लैट्रिन की परेशानी। अभी कहाँ जाते हो? अभी तो रोड पर, मैं नदी के उतर पर, खेतों खाता में अभी चले जाते। 150 लोग यहाँ प्रभावित हैं, जो सभी चाहते हैं कि पिछले 50 सालों से जो योजना चल रही है उन्हें उसका लाभ मिले। और सरकारी मदद में ये कह रहे थे कि तुम खड्डा खोद के दो, हमारे पास कोई है नहीं ऐसा कि जो हम बना के दे दें। उनने पैसे मांगे थे हमसे 1000 रुपये, हमारे पास 1000 रुपये नहीं थे, हमने नाम मना कर दिया था। इनके हाथ से कुछ काम बनता ही नहीं है करते हुए हैं। उनने कहा था कि खड्डा खोद के दे दो, तो हमने बोली कि इनसे बनता नहीं, मजदूर लगा के हम खुदवा सकते हैं, या अपने मजदूर ले आओगे तो हम पैसे दे देंगे, मगर उन्होंने नहीं लगाया कोई काम। सर, मर्यादा अभियान के द्वारा शौचालय की राशि कितनी आती है? 9000 रुपये, 900 रुपये हितग्राहियों को लगती है। और हितग्राही यदि श्रमदान दे तो फिर उसके? श्रमदान दे भी तो 900 रुपये भी उसको नहीं लगेंगे। तो इस समस्या की पहले आपको जानकारी नहीं थी? जब तक वीडियो देखा है जब जानकारी मालूम हुई। और हमने ग्राम पंचायत अमरमऊ में जाके जिला सागर में वीडियो दिखाया सरपंच को, और सरपंच साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि आचार संहिता खत्म होने के बाद 25-26 मई के आसपास वो ये मर्यादा अभियान के शौचालयों का काम शुरू करवा देंगे। ग्राम पंचायत अमरमऊ के सरपंच सर हैं, उनका नाम है श्रीमती ममता दुबे जी, जिनका फ़ोन नंबर है 99-81-26-53-87। मेरी प्रभावित लोगों से अपील है कि इन फ़ोन नंबर पर फ़ोन करें और अपना दबाव बनाएं। मैं आरती वाल्मीकि, बटियागढ़ जिला दमोह, मध्य प्रदेश से।